तरबूज बेहद ही मीठा और रसीला फल है। गर्मी का मौसम में तरबूज से बेहतर कोई दूसरा फल नहीं। मगर केमिकल और इंजेक्शन से पकाया गया तरबूज खाकर आपकी किडनी लिवर खराब हो सकता है और कैंसर जैसे घातक बीमारी भी हो सकता है। तो नकली तरबूज और इंजेक्शन वाला तरबूज को कैसे पहचानें? इसे 5 तरीकों से आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गर्मियों का मौसम आ गया है और इसी के साथ बाजार में आने लगा है हर एक किस्म का तरबूज, जिसे गर्मी में सबसे आसानी और सस्ता मिलने वाला हेल्दी फल माना जाता है। तरबूज एक ऐसा फल है जिसका 92% हिस्सा पानी, 6% हिस्सा शुगर और बाकी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। इसमें फाइबर की मात्रा अच्छी होने के कारण तरबूज का सेवन गर्मियों में बेहद फायदेमंद माना जाता है। लेकिन वही इंजेक्शन लगाकर पकाए गए तरबूज को पहचानना सामान्य लोगों के लिए आसान बात नहीं। कई बार तरबूज को लाल बनाने के लिए इसमें खतरनाक केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। वही तेज़ी से पकाने के लिए इस्तेमाल होते हैं ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। तरबूज में इस्तेमाल होने वाला ये खतरनाक केमिकल आपका क्या नुकसान पहुंचा सकता है? सबसे पहली बात, तरबूज को लाल रंग दिखाने के लिए अक्सर लेट क्रोमेट, मिथानल येलो, सूडान रेड जैसे आर्टिफिशियल डाई का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपके शरीर में जाकर पाचन तंत्र को नुकसान पहुँचाता है, फूड पॉइजनिंग तक होती है। इसके अलावा बहुत सारे तरबूज को कार्बाइड द्वारा पकाया जाता है। ये कार्बाइड लिवर किडनी के लिए इतना खतरनाक है कि किडनी डैमेज तक हो जाती है। शरीर में खून की कमी, पाचन से जुड़ी समस्या और किडनी के लिए नुकसानदेह है। तो कैसे पहचाना जाए कि तरबूज को इंजेक्शन या पाउडर से पकाया गया है? सबसे पहला, सफ़ेद पाउडर की जाँच करें। कई बार तरबूज की ऊपरी सतह पर आपको बहुत हल्का सा सफ़ेद पीला पाउडर दिखाई देगा। आपको ऐसा एहसास होगा कि ये धूल हो सकती है, मगर ये पाउडर कार्बाइड हो सकता है, जिसके कारण फल तेज़ी से पकता है। ये कार्बाइड आम और केले को पकाने में भी मदद करता है, इसीलिए तरबूज को काटने से पहले अच्छी तरह पानी से धो लेना चाहिए। दूसरा, काटने के बाद तरबूज बहुत अधिक लाल और गला हुआ तो नहीं? अक्सर इंजेक्शन वाले तरबूज बहुत अधिक लाल दिखाई देंगे। इसे काटने पर आपको सामान्य सा ज़्यादा लालपन और मीठापन लगेगा। इसके अलावा तरबूज के बीज के हिस्से में ऐसा दिखाई देगा जैसे केमिकल से जला दिया गया। तो हो सकता है कि इसे एक नज़र में देखने पर आपको ऐसा लगे कि तरबूज लाल और मीठा है, मगर सड़ने वाला है। तीसरा चीज, तरबूज में कोई सुराख तो नहीं? कई बार इंजेक्शन वाले तरबूज में कोई छोटा सा सुराख होता है, जिसे अक्सर लोग कीड़े मकोड़े द्वारा किया गया सुराख मानकर ले लेते हैं, मगर ये सुराख दरअसल इंजेक्शन का हो सकता है। चौथा चीज है, तरबूज के बीच में दरार या गड्ढा होना। अगर तरबूज को काटने के बाद आपको इसके बीच में दरार जैसे छेद दिखाई देते हैं, तो ये भी इस बात का संकेत हो सकता है कि तरबूज को इंजेक्शन लगाकर पकाया गया। प्राकृतिक रूप से पके फल में ऐसा गड्ढा या दरार होना सामान्य नहीं होता। पांचवा चीज, तरबूज का स्वाद में थोड़ा बदलाव आना। अगर तरबूज खाते समय आपको इसके स्वाद में किसी दवा जैसे टेस्ट आए या इसे खा लेने के बाद जीभ में चिकनापन लगे, तो इसे तुरंत फेंक दे। प्राकृतिक रूप से पके तरबूज में ऐसा स्वाद आना असंभव है। लेकिन कैसे बचे इंजेक्शन वाले नकली तरबूज से? इंजेक्शन वाले तरबूज से बचने का सबसे अच्छा ये 5 तरीका से आप तरबूज को पहचानें। इसके अलावा एक तरीका ये है कि तरबूज को बाजार से खरीदने के बाद कम से कम 2 से 3 दिन उसे ऐसे ही छोड़ दे। तरबूज कई सप्ताह तक खराब नहीं होता, इसलिए इसे 2-4 दिन छोड़ने में कोई बुराई नहीं। इन 2-4 दिनों में अगर तरबूज की सतह से आपको किसी तरह का झांस या बदबू आने लगे, तो इसका मतलब तरबूज में केमिकल का प्रयोग हुआ है। 2 से 4 दिन छोड़ने के बाद भी अगर तरबूज सही रहता है, उसे काट कर आराम से आप खा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।